नाजरीन, चार मीनार पुलिस स्टेशन हुदूद नायब होटल में छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें नायब होटल के कुछ लोगों ने ये नौजवानों पर हमला कर दिया। ये आधी रात का किस्सा है, यानी देर रात गए। शहर हैदराबाद में कई होटल चल रहे हैं और पुलिस सिर्फ बातें कर रही है, अमली तौर पर कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसे होटल वालों की जानिब से मामूल दिया जाता है और इसी तरह से ये क्राइम बढ़ रहा है। अगर होटल्स बन रहे तो कोई नौजवान कोई लोग बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन होटल्स खुले रह रहे हैं, कई लोग होटल्स में आ रहे हैं और इस तरह से खतले करने की मंसूबे बना रहे हैं। कई जगहों पर इस तरह के झगड़े हो रहे हैं और इस तरह से छोटी सी बात को लेकर खतले आम हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? लापरवाही का मुजाहरा कर रही है पुलिस, फिर बातें बड़ी बड़ी करती है। व्हीकल चेकिंग के नाम पर, कॉर्डन सर्च के नाम पर गरीब मासूम लोगों को परेशान किया जाता है, उनके गाड़ियों को सीज किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। वहीं पर खुलेआम इस तरह से होटल चल रहे हैं, सुबह तक ये होटल चल रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि ये लोग अच्छा खासा मामूल देते हैं। यही वजह है कि पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस के अहदेदारों को चाहिए कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करें और ऐसे होटल्स को बंद रखें, तभी जाकर क्राइम कम होगा। होटल्स खुले रह रहे हैं, देर रात गए नौजवान बाहर फिर रहे हैं, ऐसे होटलों में खाने खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और चाय के बहाने यहाँ पर मीटिंग चल रही है और इसके बाद से खतले आम हो रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि शहर हैदराबाद में जहाँ जहाँ पर भी होटल्स देर रात चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखा यह जा रहा है कि कई जगहों पर सख्ती की जा रही है, होटल्स 12 बजे के अंदर 12 बजे तक बंद किए जा रहे हैं, वहीं पर कुछ जगहों पर सुबह तक होटल चल रहे हैं। इस तरह की लापरवाही पुलिस की जानिब से हो रही है। इसी तरह से कल भी एक वाकया हुआ जिसमें कुछ नौजवानों पर हमला किया गया, वो लोग उस्मानिया हॉस्पिटल आए और मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। फौरन पुलिस के अहदेदारों को चाहिए कि नायब होटल जैसे और कितने होटल्स है जो चल रहे हैं शहर हैदराबाद में, सुबह तक चल रहे हैं, ऐसे होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देर रात होटल खुले रखकर पुलिस को मामूल देकर होटल्स को चलाया जा रहा है। अगर होटल्स बंद रहेंगे तभी जाकर शहर हैदराबाद में अमन रहेगा, क्राइम नहीं होगा। वरना याद रखिए, इस तरह के हालतों में कोई सुधार नहीं होगा और इसी तरह से झगड़े होंगे, खतले होंगे। फौरन पुलिस के अहदेदारों को चाहिए इस पर सख्त से सख्त नोट ले और जो भी पुलिस स्टेशन के हुदूद में होटल्स खुले रह रहे हैं वो पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करे, ताकि वो लोग अपनी ड्यूटी सही निभा सके और इस तरह से कोई भी होटल को खुला ना रखे। तो कैमरा मैन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आपको पूछो, आप ये गवाह है बंदा, पिछले इधर के लीडर है, तो ये काम कर देगा। आप बोलो कितने जन हमारे काम के मुख्तार अहमद खान जो भी है उन लोगों ये काम कर देगा। ये एमएम का नाम लेके काम करते हैं, जितने भी आते हैं साहब पूरे पीले खा लेके जाते हैं और कोई भी नहीं आते, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे पीले खा लेके आते, लड़ते करते बड़े बड़े लोग, उन लोगों को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है। खाली हम आगे आगे चाहिए पूछे तो उसके बारे में इतना इशू कर दिया लोग, इनका नाम निसार है, चाई लाने के आसे गए थे ना, चाई के आसे बाहर मुंशी को बोले तो ठहरो 5 मिनट बोल के बोले। कहाँ गए थे? कौन सा एरिया? नया होटल पत्थरगट्टी मदीना, मदीना सर्कल के पास में नया होटल जो है मुख्तार अहमद खान की, वो होटल पे गए थे लोग चाई लेने के आसे, बाहर मुंशी थे इनके ठहरे हुए, मुंशी को बोले तो 5 मिनट ठहरो 10 मिनट ठहरो बोल के, एक मिनट यहाँ बोलने दो, 1 घंटा ठहराने के बाद में जो है उन्होंने काम वाले को भेजे, ठहर होना है तो लेने तो चले आ बोल के, उसके बाद में जो है उनके बच्चों को बाहर, उनका बेटा जो उमर है उनको और उनके साथ वाले जो होटल में काम करते हैं उन लोग को भिजा के जो है इतना हरी तूरी बात करे तो उन लोगों को भिजा के अटैक करने लगा दिए लोगों के ऊपर, इनका दांत तोड़ दिए इनका, और इनको जो है मुंह पर पूरा मार के, आप देखिए थोड़ा चार बच्चे हैं भाई, इसको छोटे छोटे कौन बोलेंगे, ये देखिए आप ये अटैक कर उतारो, मतलब इला वहाँ से भागने के बाद में दीवान दौड़ी को भी आके वहाँ पे भी अटैक करे लोग, दीवान दौड़ी अली पान शॉप करने आके अटैक, अली पान शॉप करने भी आके अटैक करे, रनिंग गाड़ी पे मार के अटैक करके गिराने के बाद में पुलिस वाले साफ सामने रहने के बाद में भी जो है लोग अटैक करने के बाद में पुलिस वाले भी कुछ भी एक्शन नहीं लिए। चांदनार बीएस, उनका नाम देखो क्या है नाम आपका, सामने रहने के बाद में भी कुछ भी एक्शन नहीं लिए, खाली देखते हो रही थी जब सामने थे, सामने थे अकेले थे उन्होंने।
उसके हाथ से एक्शन ले लिया, बोल रहा हूं मार मार के उनके सामने मारा। क्या है बेटे का? उनके उमर उमर नाम है बेटे का। आने वाले कितने लोग थे? 30 से 35 जने थे। पूरी सीसीटीवी फुटेज भी है। कौन थे 30-35 लोग? उनके दोस्त था, उमर के साथ वाले थे और होटल का स्टाफ है। अरे हमारे से वो करता ये करता कैमरा वगैरह है। मुख्तार अहमद खान के बेटे है या मुमताज अहमद खान के बेटे बोल के ये अल्फाज कर रहे थे। हम हमारे बाबा एमएलए हमारे बाबा लीडर है बोल के अल्फाज कर रहे थे। पकड़ के गिरा के मारे हो ना। 35 जवान साहब भी सामने है। जवान साहब के सामने हरकत हुई है होटल का। और जवान साहब भी एक्शन ने कहीं को नहीं लिया। वो तो 30-40 जने अकेला मैं कैसा समझाऊंगा बोल के। एक कौन एक हो रहा था पहली कंप्लेंट हमारी। कौन से पीएस में कंप्लेंट करा? एमएलसी हो गई। एमएलसी अभी एक घंटे से अंदर है। लाइट ले रहे हैं पूरा उस्मानिया में भी। और जो उलगा आए थे उलगा भी आके कंप्लेंट करा के ना चले भी गए। अब तक हम लोग ना तो उनकी एफआईआर फर्स्ट हो गई। हमारी एफआईआर को एक्शन नहीं ले रहे। हमारी एफआईआर फर्स्ट है भाई। ये वीडियो लो। इनके दोस्त और उनके मुंशी जो भाई आके इनके ऊपर अटैक करे इनको और इनको मार के इनका दांत तोड़ दिए। एक मिनट इनका दांत तोड़ दिए ऊपर का बताओ। इनका दांत वगैरह तोड़ दिए। डेली रात में जो है नया बोतल शादा बोतल खास तौर पर नया बोतल जो है रात भर खुली रह रही होटल वो। और आप एक मिनट हर होटल बंद करा रहे हैं आप ला नया बोतल कई गुने बंद करा रहा है। नया बोतल बंद कराना आप ला। ये रात में दादागिरी उनका बेटा कुछ जो है पीले के कलर के। आप लोग अगर इंसाफ करे तो वहाँ पे वीडियो फोटो पूरी निकलती है। नेक्स्ट टाइम इसका रिवेंज अलग रहता था। आप लोग बाद में एक्शन हमारे को पुलिस ने बोलना कुछ भी नहीं बोलना इल्ला जैसा हमारे ऊपर है। एक्शन नहीं लिए पुलिस वाले हम भी एक्शन नहीं लेंगे। फिर पुलिस वाले जैसा करे रनिंग गाड़ी पे से पकड़ के गिरा। ओनर ओनर का बेटा खुद गिरा भाई। ये अटैक कौन करे? अटैक उमर क्या टाइम पे करे ये लोग? 11:30 एक से डेढ़ बज रहा था। वो लोग भी कंप्लेन दिए बोला कंप्लेन लोग हमारे को आए थे यहाँ पर। एक मिनट वो लोग बाद में आए। पहले तो ये लोग गए पर इन लोगों की कंप्लेंट नहीं हुई। वो लोग बाद में आए एमएलसी कर भी और चले भी गए। कम से कम 40 जने मारने आधा घंटे तक मारने के बाद में पुलिस आई। साहब ठहरे हुए साहब समझा रहे हैं भी। अभी आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? इंसाफ होना भाई। इंसाफ होना। नया होटल क्लोज होना। नया बोतल क्लोज होना। और जो ओनर नया बोतल नहीं चलना। जो ओनर का बेटा है ना भाई उन्हें जो आए उन्हों बचाने गए और रात में पुलिस वाले बचाने गए तो उनकी भी नहीं सुने। मार के पूरा देख लो आप इधर आओ सामने जी बताओ बताओ थोड़े से बचाने आए तो भी ये देखो आपको भी पूछ लो सब गवाह है। अब अपने को जरूरत नहीं है। इंसाफ होना बस। नहीं बोले तो हमारा जो करना है हम कर ले।